हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। तो इस थोड़ा अपनी इस कैलीग्राफी के बारे में बोलिए कि आपने कब से स्टार्ट किया है ये। आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका आप मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी। मैं काउचक का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का एक गांव है। तो थोड़ा बहुत मैट्रिक तक मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं नौकरी के लिए श्रीनगर मेडिकल इंस्टीट्यूट में तैनात हुआ। तो वहाँ मेरे एक उस्ताद थे जावेद साहब, उनका नाम था, लेकिन मुझे उससे पहले शौक था ये कैलीग्राफी सीखने की। तो फिर एक दिन मैं उनके पास गया, तो ये मैं आपको मुख्तसर बताता हूँ। तो मैं उनके पास गया, मैंने सोचा मैं सीखूँगा। उसके बाद उन्होंने मुझे ये सिखाया थोड़ा बहुत, उसके बाद मैंने ये छोड़ दिया बीच में, तो पूरा नहीं सीखा। तो एक दो साल के बाद मुझे फिर जज्बा पैदा हुआ कि मैं ये सीखूँ। तो फिर मैंने खुद ही मशक की, उनके पास मैंने गया। तो एक दो साल हो गए, तो एक दो साल के बाद जो मैंने लिखा था, तो मैं उनके पास गया। मैं सोचा मेरा उस्ताद है, मैं उनके पास फिर जाऊँगा, हक बनता है। तो मैं उनके पास गया, तो उनको मैंने बोला ये मेरा काम है, आप देखिए। तो बहुत खुश हुई, उन्हें बोला आपने कहाँ से सीखा। मैंने बोला बस मैंने जो जितना आपने सिखाया उतना ही सीखा, उससे अलावा। बोला आपने बहुत मशक की है, मैं बहुत खुश हुआ। तो उसके बाद फिर मैं घर में लिखता रहा, तो फिर छोड़ दिया। तो 2014 में मैं रिटायर हो गया, उसके बाद घर पे ही बैठा था। जब 2019 में कोविड हो गया, तो लॉकडाउन हो गया, तो मैं बिल्कुल अंदर ही था। तो फिर मुझे ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं कुछ लिखूं। उसके बाद मैंने यूट्यूब से ये अरबी सीखा, बहुत सारे वहाँ सिखा रहे हैं, तो मैंने एक आदमी का फॉलो किया है। गोया कि आपने कोई क्लास अटेंड नहीं की इसको सीखने नहीं, के लिए? बिल्कुल नहीं, कोई क्लास नहीं। बस ये अरबी जो है मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीखा है। और ये जो मैं पोस्टर वहाँ पे बनाता हूँ, तो ये बिल्कुल किसी ने मुझे नहीं सिखाया कि इसमें रंग कैसा करना है, क्या करना है, बैकग्राउंड कैसे करना है, खुद ही मैंने किया। मैंने अंदर से ही जज्बा पैदा हुआ। तो ये अल्लाह का करम है कि मैं कुरान लिखता हूँ और अल्लाह का अस्मा लिखता हूँ और अच्छे अच्छे इस्लामी ये जो जब आपने पहला पोस्टर मतलब लिखा है, पहली कैलीग्राफी जो आपने बनाई है, तो वो आपको कैसी लगी? क्या वो आज तक याद है? हाँ बिल्कुल, मैंने लिखा पहला, मैंने लिखा या रब। तो उसके बाद मैंने फेसबुक पे वो किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत खुश हुई वो, तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि आप इसको बढ़ाओ, कभी छोड़ना नहीं, ये बहुत अच्छा काम है। उसके बाद मैंने लिखा माशा अल्लाह, वो भी लिखे। फिर मैं एक लाल चौक में एक वो शीशा बेचता है मनजीत सिंह, उसका नाम है फॉरेस्ट गली में मनजीत सिंह, तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा ये आप बेचो। तो लेकिन मैं वो छोटा छोटा लिख रहा था पेन से वगैरह, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़ा बड़ा लिखो, ये अच्छा लिखता है, आप बड़ा बड़ा लिखो। तो फिर मैंने बोला मुझे बड़ा लिखना अभी नहीं आता है और मुझे ज़राया भी नहीं है। तो बोला नहीं, कोशिश करो आप। उसके बाद मैंने बड़ा लिखने की कोशिश की, तो अल्लाह के फजल करम से मुझे, यानी जितना इंसान कोशिश करता है अल्लाह उसको देता है, तो बड़ा अब वो भी खुश होते हैं जब मेरे बड़े पोस्टर देखते हैं। वो भी आज भी बेचता है और बाकी लोग भी देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं, बहुत फॉलोअर्स हैं, खुश होते हैं। तो घर फैमिली मेंबर्स का कैसा सपोर्ट रहा इस? बहुत बिल्कुल बहुत सपोर्ट अच्छा रहा, मुझे उनकी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल मैं लिखता हूँ। बच्चा मैंने मेरा है वो, उसने भी थोड़ा बहुत सीखा था, तो आजकल वो ये शौक बहुत सारे लड़कों में, छोटे छोटे लड़कों में पैदा हो गया है, वो भी मेरे पास आते हैं सीखने के लिए, तो बहुत शौक है उनको भी। तो हमारी चैनल के थ्रू क्या मैसेज देना चाहोगे जनरल पब्लिक को? आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक फन है, इस्लामी फन है, इसकी आप कदर करें। ये मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 का एक है, इससे हौसला मिलेगा हमारी इस फन का, हमारी इस इस्लामी फनी तहजीब का। तो ये मैं जो इसको सीखते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सब्र करें, क्योंकि ये सब्र वाला काम है। ये एक दो दिन या हफ्ते में कोई कैलीग्राफर नहीं बनता है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, कोशिश की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला उनको भी इससे नवाजेगा। ये ऐसा इल्म है, मैं बताऊंगा कि इतना सुकून मुझे मिलता है इसमें, आप यकीन नहीं करेंगे, कोई परेशानी नहीं, कोई इतना सुकून मिलता है कि अल्लाह का कलाम। हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया। सलामत रहिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।